का जो प्रोसेस होता है, एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव कर रहा है। अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती, पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानूनों को बदल के रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर बदलाव कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तीसरा बड़ा सवाल, इस का जो प्रोसेस होता है एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव कर रहा है? अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती, पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानूनों को बदल के रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर बदलाव कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तीसरा बड़ा सवाल, इस का जो प्रोसेस होता है एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव कर रहा है? अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती, पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानूनों को बदल के रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर बदलाव कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तीसरा बड़ा सवाल, इस